फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने पूछा कि डेट और डाई में क्या फर्क है, यानी कैसे जाने कि कब हमें वर्ड डेट का यूज करना है और कब डेथ या डाई का। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का लेसन शुरू करते हैं। डेट इज एन एडजेक्टिव That describes someone of being a lifeless state. Word dead एक adjective है जो हमें बताता है कि कोई इंसान अब lifeless state में है, यानी उसकी हालात या उसकी दशा अब lifeless है, यानी वो बेजान है या मुर्दा है। Example देते हैं friends, the animals are dead. इस sentence का meaning है कि ये जो animals हैं अब वे lifeless state में हैं। यानी अगर इस बात को उर्दू में कहें तो कहा जा सकता है कि अब वो मरे हुए हालात में हैं, या इसे हिंदी में ये भी कहा जा सकता है कि अब वे मृत्यु की दशा में हैं। My plants are dead. मेरे जो प्लांट्स हैं वे अब लाइफलेस स्टेट में हैं, यानी अब मरे हुए हालात में हैं या मृत्यु स्थिति में हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा कि डेड इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब समवन ऑफ बीइंग अ लाइफलेस स्टेट। आइए फ्रेंड्स, अब डेथ के बारे में जानते हैं। डेथ इज अ नाउन, डेथ एक नाउन है। इट इज एन आइडिया ऑफ स्टेट आफ्टर लाइफ, और यह हमें जिंदगी के बाद की हालात को बताती है। यानी डेथ एक नाउन है जो हमें जिंदगी के बाद की दशा यानी हालात को बताती है। एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ, मुझे मौत से डर लगती है, या मैं मौत से डरता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, डेथ इज सर्टेन। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मौत सर्टेन है, यानी जो मौत है वो मुकर्रर है या वो निश्चित है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आया कि डेथ और डेथ में क्या फर्क है। आइए अब देखें कि डाई का क्या यूज है। फ्रेंड्स, डाई इज अ वर्ब दैट शोज द एक्शन ऑफ डेथ। डाई एक वर्ब है, यानी एक एक्शन वर्ड है जो हमें डेथ का एक्शन बताती है, यानी जिस वर्ड से मौत होने का काम बताई जाए वो है डाई। पास्ड अवे इज अ मोर पोलाइट वे ऑफ सेइंग समवन डाइड। फ्रेंड्स, वर्ड डाइड के जगह पर आप वर्ड पास्ड अवे का भी यूज कर सकते हैं। पास्ड अवे इज मोर पोलाइट वे ऑफ सेइंग समवन डाइड। वर्ड डाई या डाइड के कंपैरिजन में पास्ड अवे कहीं ज्यादा पोलाइट वर्ड होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग वर्ड डाइट की जगह पर पास्ट अवे का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में देखें। अगर मुझे कहना हो कि वह 2018 में मर गई, तो मैं कहूंगा शी डाइड इन 2018। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, शी पास्ड अवे इन 2018। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको डेड, डेथ और डाई में फर्क समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।